अपनी कहानी बता रहे थे वकील के, जब तक मांगे नहीं मानेंगे तब तक हम तो नहीं हटेंगे। लेकिन जिस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है लोगों पर, आम जनता पर, वो क्या कह रही है, हमारे संवाददाता विनय ने बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं। कोर्ट के दरवाजे बेशक खोल दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट में काम नहीं हो रहा है क्योंकि वकील हड़ताल पर है। और ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों की है जो कोर्ट में अपने काम से आ रहे हैं, क्योंकि हर किसी का कोर्ट में कोई ना कोई काम है और वो काम से तो आ रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सिर्फ जज बैठे हैं और वो सिर्फ तारीख लेकर जा रहे हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप साकेत कोर्ट? हम ग्रेटर कैलाश से आए हैं। ग्रेटर कैलाश से आए हैं, आपको क्या मालूम था वकीलों की हड़ताल चल रही है, काम नहीं होगा? हाँ जी, मालूम था। क्या हुआ, आप अंदर गए थे? कुछ नहीं, बस तारीख मिल गई है, अगले 4 महीने बाद की अब तारीख मिली है। वैसे भी केस 3 साल से चल रहा है, अब बस जज नहीं आए हैं, वकील नहीं आए हैं, हड़ताल चल रही है तो डेट आगे की लग गई है, तो ये काम नहीं हो रहा है और बहुत परेशानी हो रही है। कितना डिसअपॉइंट हुए मैम आप, क्योंकि 4 महीने की बात की बता रहे हैं डेट लगी है, 3 साल से केस चल रहा है, कुछ ना कुछ उम्मीद हर डेट पे कोई ना कोई लेकर आता है, कितना डिसअपॉइंटमेंट हुई है? पहले आए थे तो डेट जैसे 8 दिन के बाद थी, तो जो दिन जज नहीं आए, हो गया कैंसिल, डेट मिल गई 3-4 महीने के बाद की, अब 6 महीने के बाद थी, वही मार्च में दिए डेट उन्होंने, बताओ क्या करें। काफी निराशा है हमारी, निराशा होती है, अब क्या करें, कह नहीं सकते ना कुछ भी। गलत सफर हो रहे हैं आप लोग इस वकीलों की हड़ताल से। सही बात है, आज वकीलों की हड़ताल होगी, जज आए तो वकीलों की हड़ताल है, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लोग कोर्ट पहुँच रहे हैं उनका कहना है कि केस की जो डेट थी उस पर किसी ना किसी उम्मीद से आए थे, लेकिन चूंकि वकीलों की हड़ताल है और कामकाज किसी तरह का कोर्ट में हो नहीं रहा, इसीलिए वो सिर्फ मायूस होकर जा रहे हैं और अगली तारीख लेकर जा रहे हैं। कैमरामैन मुकेश के साथ विनय सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।